dear student, today we are discussing chapter number 2, that is bones and muscles. In preview video, we are discussing about the skeleton system. Okay? In preview video, we are discussing about skeleton system from which class? Class 5th. Today's class, we are discussing about the topic joints. Okay? Today, we are discussing about the topic joint. What is joint? Joint is a connecting between two or more bone. A joint connective between two or more bones. मतलब क्या होते हैं जॉइंट्स? क्या होते हैं जो दो या दो से ज्यादा बोन्स को कनेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है जॉइंट्स. जैसे मेरे ये रिस्ट वाले ये जॉइंट है, ठीक है. यहाँ पे ये वाली बोन और ये वाली बोन आपस में इस जगह से जुड़ी हुई है. एल्बो ये भी एक क्या है? जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ी है. तो इनको कहा जाता है जॉइंट, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ती है, उनके जुड़ने का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोला जाता है जॉइंट्स. जैसे मान लीजिए ये कोई बोन है और ये भी कोई बोन है, इनका मिड प्लेस जो होगा दैट इज कॉल्ड जॉइंट. ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट जॉइंट एंड द टाइप ऑफ जॉइंट. ओके क्लास, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जॉइंट. अ जॉइंट इज अ कनेक्टिंग बिटवीन टू और मोर बोन. Joint allow different type of movement. Okay, what is joint? Joint वो जगह होती है जहाँ पे two और more bones आपस में एक दूसरे से जुड़ती है और जुड़ के easily वो क्या करते हैं? Movement करने का काम करते हैं. A joint is usually formed of fibrous connecting tissue and cartilage. Joint hold the bone together with ligament which are very strong and elastic in nature. All the joint in our body are movable except the skull. Okay, joint जो होते हैं generally कैसे होते हैं? Fibrous connecting tissue के मिलके बने हुए रहते हैं और cartilage के. और ये जो joint होती है जो bones को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो muscles use होती है that is called ligament. ठीक है, ये काफी स्ट्रांग होते हैं और इलास्टिक नेचर वाले होते हैं. ये जितने भी टाइप की बोन, जितने भी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, ये सारे मूवमेंट इनके कारण ही देखने को मिलते हैं. ठीक है, जॉइंट में मूवमेंट क्या होता है? लिगामेंट, और इनके कारण ही देखने को मिलते हैं. सिर्फ स्कल एक ऐसा प्लेस है जहां पे कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ जॉइंट. There are four type of movable joint in our body. हमारी body में कितने type के joints देखने को मिलते हैं? Four type के joints देखने को मिलते हैं. ठीक है, the first one is hinge joint. If we talk about the hinge joint, that means as the name suggests, is work as a hinge of door and open one way. ठीक है, नाम से पता चला है hinge joint, हम इसे हिंदी में बोलते हैं कब्जे. हमारी जो डोर्स होते हैं, उन डोर्स के ऊपर जो हिंग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की तरह ये वर्क करते हैं. आप लोगों ने अपने सबके घर में बेडरूम्स के अंदर, है ना, मेन डोर में, सब जगह आपने डोर्स देखे हैं. उन डोर्स वो क्या होते हैं? सिर्फ एक ही साइड में ओपन होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिंग्स लगे होते हैं. उन हिंग्स की प्रेजेंस के कारण वो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट. मतलब ये जॉइंट ये बताते हैं कि ये भी कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे? एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. सच जॉइंट अलाउ ओनली इन वन डायरेक्शन. दिस जॉइंट आर फाउंड इन द फिंगर, नी, टो एंड एल्बो. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के सिंगल डायरेक्शन में करते हैं? हमारी फिंगर, सी, मेरी फिंगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट. इसके अलावा एल्बो के अंदर, एल्बो हमारी कोनी के अंदर, टोस के अंदर, नीज के अंदर, इन सब जगहों पे प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. द नेक्स्ट वन दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट.
दिस जॉइंट अलाउ रोटेशन मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, नाम से पता चल रहा है बॉल और सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट दैट मीन्स देखें इस डायग्राम में, सी द डायग्राम. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो इसमें एक बोन तो बॉल की तरह और दूसरी बोन सॉकेट की तरह वर्क करती है. और ये जो बॉल एंड सॉकेट होते हैं ये आपस में एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए यहाँ जॉइंट जहाँ पे भी पाए जाते हैं हम फ्रीली चारों डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऑल डायरेक्शन में हम हमारा मूवमेंट करा सकते हैं. कहाँ पे पाया जाता है इस तरीके का जॉइंट? हमारा जो एल्बो होता है, सॉरी हमारा जो हैंड होता है, सी ये वाली बोन है ना यहाँ पे, और हमारी हिप बोन में, इन दोनों जगहों पे ये देखने को मिलते हैं. आप अपने हाथों को देखें चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं इजिली, है ना, क्योंकि यहाँ पे कैसे जॉइंट पाए जाते हैं, शोल्डर के अंदर जो जॉइंट पाया जाता है और हिप के अंदर जो पाया जाता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द नेक्स्ट वन पाइवट जॉइंट. दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ टर्निंग. वी आर एबल टू मूव अवर हेड साइड वाइज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नॉट एंड शेक बिकॉज ऑफ द पाइवट जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड बैक बोन. ठीक है, पाइवट जॉइंट जो होता है दे जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑन टर्निंग. सी वी टर्निंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सी द नेक है ना, हमारा नेक जो होता है वो किसी क्या होता है साइड वाइज ही मूवमेंट को शो करता है, अप एंड डाउन करता है, बट हम उसको ज्यादा जो होता है चारों डायरेक्शन के अंदर हम इसको मूव नहीं करा पाते. यहाँ पे ये वाला जॉइंट देखने को मिलता है, दैट मीन्स हमारे नेक रीजन में, वर्टिबल कॉलम यानी बैकबोन और स्कल के बीच में. द नेक्स्ट वन दैट इज ग्लाइंड जॉइंट. द जॉइंट अलाउ द ग्लाइंडिंग मूवमेंट ओवर टू फ्लैट बोन्स. दिस जॉइंट आर फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल. हमारा जो रिस्ट होता है, सी द रिस्ट, इस जगह यहाँ पे क्या होता है बोन के ऊपर बोन चढ़ जाती है और फिर इनके अंदर मूवमेंट ग्लाइंडिंग होती है और ग्लाइंडिंग करके ये मूवमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं. सी द डायग्राम है ना, इस तरीके का मूवमेंट ग्लाइंडिंग जॉइंट में देखने को मिलता है. सी द बोन द बेबी बोर्न विथ 300 बोन्स एंड द एडल्ट 206 बोन. वॉट हैपन टू 94 बोन्स विल ग्रोइंग अप. देखिए एक बच्चा जो होता है, जो न्यू बोर्न बेबी होता है, उसके अंदर कितने बोन्स देखने को मिलती है, 300 बोन्स, जबकि एक एडल्ट के अंदर देखने को मिलती है 206 बोन्स. तो फिर 94 बोन्स का क्या होता है? एक्चुअली बेबी जो होती है उनकी बॉडी आप लोगों ने सबने देखा होगा इन कंपेयर टू एडल्ट काफी फ्लेक्सिबल होती है. एक्चुअली होता क्या है, ये जो 94 बोन्स होती हैं, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, किसी भी बेबी एडल्ट की तरफ ग्रो करने लगता है, वैसे वैसे ये बोन्स जो छोटी छोटी बोन्स होती है वो मर्जअप होके, है ना, मर्जअप होके और सिंगल बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. और जब वो कंप्लीट ग्रोथ कर लेता है उस समय सिर्फ कितनी बोन्स बचती हैं, 206. ठीक है, इसलिए एडल्ट के अंदर 206 और बेबी के अंदर 300 बोन्स देखने को मिलती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स. मसल्स मेक द मूवमेंट ऑफ बोन पॉसिबल. दिस आर अटैच टू द बोन थ्रू द टेंडन्स. मसल्स वर्क इन द पेयर टेकिंग टर्न टू मूव द बोन इन द डिजायरेबल डायरेक्शन बाय पुलिंग द बोन. ठीक है, मसल्स क्या होता है, मसल्स जो होता है हमारी बोन्स को मूवमेंट देने में हेल्प करता है. हमारी जो बोन्स को, जब बोन्स से मसल्स जुड़ी हुई होती है तो उनको टेंडन बोला जाता है. और मैंने आपको बताया था जब बोन्स से बोन्स जुड़ी हुई होती है दैट इज कॉल्ड फाइब्रस टिश्यूज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट. मसल्स वर्क इन द पेयर टेकिंग टर्न टू मूव बोन इन द डिजायरेबल डायरेक्शन. इसकी हेल्प से मसल्स जो होती है इनके अटैचमेंट के कारण बोन को हम डिजायरेबल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. देयर आर अबाउट 639. हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी? 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी विच टेक अप टू अबाउट 40% ऑफ अवर बॉडी वेट. इवन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क ऑन द मूवमेंट ऑफ मसल्स इनसाइड द स्टमक वॉल. ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी 639 मसल्स प्रेजेंट होती है जबकि 206 बोन्स
होती हैं। और मसल्स 639, हमारी पूरी बॉडी वेट का 40% वेट कौन होता है? हमारी मसल्स। हमारी हर एक, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी मसल्स, स्टमक बाल पे डाइजेशन के हेल्प में मसल्स ही हेल्प करती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। जनरली देयर इज थ्री टाइप ऑफ मसल्स सीन। द फर्स्ट वन वॉलेंट्री मसल्स, द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स इज अंडर अवर कंट्रोल। मसल्स अट्रैक्ट टू द स्केलेटन सिस्टम आर वॉलेंट्री मसल्स। वी वॉक, रन, स्माइल, रीड, राइट, मूव विद दिस मसल्स। जनरली वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे कंट्रोल से चलती हैं। ओके, हमारे कंट्रोल से मतलब हम जिनको जैसा मूवमेंट कराना चाहें वो वैसा कर लेती हैं। स्केलेटन सिस्टम का मूवमेंट हमारे थ्रू ही देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। जैसे हम चलते हैं, हमारा जब मन होगा हम चलेंगे, हम रन करते हैं, हम स्माइल करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये सारे हमारे मर्जी से होने वाली प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इसके लिए आपको आपकी मर्जी के बिना आप इन प्रोसेसेस को नहीं कर सकते। और ये जो मसल्स होती हैं जो हमारी मूवमेंट से वर्क करती हैं, दैट मसल्स इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। द नेक्स्ट वन, इनवॉलेंट्री मसल्स। द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। दिस मसल डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द लाइफ। इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छाओं से वर्क नहीं करती हैं, दैट मसल्स इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये अपनी इच्छा से थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती रहती है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप चाहेंगे आपका खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा, उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है जो आपके चाहने और ना चाहने से कंट्रोल नहीं होती है। द नेक्स्ट वन, कार्डियक मसल, द लास्ट मसल। कार्डियक मसल्स, द मसल्स आर स्पेशलाइज्ड ओनली फाउंड इन द हार्ट। द हार्ट कीप बीटिंग ऑलवेज विदाउट अवर डूइंग एनीथिंग ड्यू टू दिस मसल्स। वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर बोन्स। बोन्स गेन डेंसिटी अंटिल योर टर्न 30, देन डेंसिटी डिक्लाइन इफ यू डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कार्डियक मसल जो होती है एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलती है, हमारे हार्ट के अंदर देखने को मिलती है। हमारा हार्ट कितनी ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, धड़कता रहता है बिना रुके हुए। ठीक है, यहाँ पे ये कार्डियक मसल्स के कारण पॉसिबल होता है। हम लोगों को हमारी बोन्स की काफी अच्छी केयर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम 30 टर्न करते हैं वैसे वैसे हमारी बोन्स की डेंसिटी जो होती है वो गेन होती जाती है, जिसके कारण बोन्स जो होती हैं वीक होने लगती हैं। तो हमको थ्रू आउट एक्सरसाइज, कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहना चाहिए ताकि हमारी बोन्स हमेशा हेल्दी रहे। नाउ देयर इज अ सब टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दैट इज टेंडन, अ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टेड मसल्स टू अ बोन। क्या होता है, टेंडन्स एक फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट होते हैं किससे, मसल्स से बोन की तरफ। इम्यून सिस्टम, ऑर्गन दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमको क्या करता है, इन्फेक्शन और टॉक्सिन से बचाने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन, क्रेनियम, टॉप पोर्शन ऑफ द स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम हमारे ब्रेन का सबसे मेन पोर्शन होता है जो हमें प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। स्टर्नम, अ लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट। मैंने आप लोगों को जो रिब केज बताया था, तो मैंने बताया था एक बोन होती है जिनसे हमारी 12 पेयर ऑफ रिब जुड़ी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। आई होप सो। नाउ द चैप्टर नंबर 2, बोन्स एंड मसल्स, will be completed. Now we are discussing about the book work. See, without dash our body would be heap of organ. ठीक है, कौन सा हमारी बॉडी जो है एक ऑर्गन का हीप यानी मांस के टुकड़े के जैसा ही रहेगा विदाउट इसके, तो किसके, स्केलेटन सिस्टम के। विदाउट स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का कोई भी मतलब नहीं है। द स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल नहीं, स्कल ब्रेन को करता है, रिप्स नहीं, लंग्स और हार्ट को करते हैं, तो फिर कौन बचा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वर्टिब्रल कॉलम।
द मूवमेंट ऑफ शोल्डर इज अलाउड बाय द जॉइंट. कौन से जॉइंट के थ्रू हमारे मूवमेंट करते हैं? पाइवेट जॉइंट के थ्रू? नो. ग्लाइंडिंग जॉइंट के थ्रू? नो. बॉल एंड सॉकेट? यस. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे शोल्डर के अंदर. मसल्स ऑफ हार्ट कॉल्ड डैश मसल्स. हम हमारी मर्जी से वॉलेंट्री मसल्स? नो. इनवॉलेंट्री मसल्स? नो. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. ये मैं आप लोगों को रिटर्न पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाऊंगी. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग स्कल. व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ स्कल? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन. ओके. व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ स्कल? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन. नेक्स्ट वन रिब केज. इट प्रोटेक्ट हर्ट एंड लंग्स. बैकबोन. बैकबोन क्या होती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसे हम वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं. पेल्विक लीडर जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन को और गॉल ब्लडर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ओके. दिस वाज द मैच द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस टॉप दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एज सून एज. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 3 लेट बी क्लीन एंड हेल्दी. So, till then, have a nice day. Goodbye, students.